और हरियाणा में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में तीन दिनों तक पड़ेगी तेज गर्मी, तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। कुछ जिलों में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 12 साल में तीसरी बार ये भीषण गर्मी का सामना लोग करेंगे, तो कुछ जिलों में गर्म हवाएं चलने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम और मध्य भार में अगले 5 दिनों तक लू चलने की संभावना है। वहीं इन क्षेत्रों और महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान में खास इजाफा होने का आसार कम है। हरियाणा के अधिकतर भाग में लू चलने की संभावना है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि अगले 48 घंटे में तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। तो आने वाले समय में गर्मी से लोगों का और ज्यादा हाल बेहाल हो सकता है। मौसम पिछले कई दिनों से खुश्क चल रहा है और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। जो पहले 40 डिग्री के आसपास चल रहा था वो अभी आज 42.4 डिग्री आंका गया है और रात्रि तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो अभी 29 डिग्री सेल्सियस जो दोनों ही तापमान रात्रि और दिन का तापमान दोनों ही सामान्य से ज़्यादा चल रहे हैं। आने वाले दिनों में भी मौसम में गर्माहट रहेगी और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि आसपास कोई वेदर सिस्टम नहीं है। हमें जो गर्म हवाएँ चलती हैं उन्हें हमें लू कहते हैं, वो अगले 3-4 दिनों तक उसका प्रकोप रहने की संभावना बन रही है। हाँ, किसान भाइयों को यह है कि अभी तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है, इस कारण क्योंकि तापमान 40 से 45 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना बन रही है, तो इस कारण खेत में जो काम करते हैं किसान भाई वो सुबह और शाम के समय खेतों में काम करें, दोपहर में वो खेत में ज़्यादा काम ना करें, थोड़ा उस समय अपना आराम करें। परंतु जो अभी 30 मई के आसपास मानसून केरल हिट होता है और उसके बाद में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ती है। और वहीं गर्मी को लेकर जींद में हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। ये रिपोर्ट तापमान देखने को मिल गया है, बहुत ज्यादा है, 40 के पार हो गया, 12 बहुत ज्यादा गर्मी है। अब गर्मी में तल पदार्थ और तरबूज खाओ बहुत अच्छा रहेगा, इतनी गर्मी है कि बहुत मुश्किल हो रहा है जीना, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हर रोज पड़ रही गर्मी लगातार? हर रोज लगातार बहुत ज्यादा गर्मी है और आने वाले टाइम में भी लगातार मेरे ख्याल में गर्मी ज़्यादा होगी। अच्छा, हर रोज गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, बारिश की अभी कोई संभावना नहीं? अच्छा, ये थे जो कह रहे हैं लगातार गर्मी थी, हमारे साथ दूसरी महिला है, हमसे बात करते हैं। मैम, किस तरह का सफर रहता है, गर्मी लगातार बढ़ रही है? किस जबरदस्त गर्मी है। तो किस तरह का सफर करते हैं इतनी गर्मी में आप? क्या प्रबंध करके निकलते हैं दूसरे? तो कितना तापमान रहता है हर रोज? तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो जब आप घर से बाहर निकलते हो बाहर कपड़ा डाल के सर से रखे आते हैं, ग्लव्स पहन के तब निकलते हैं। अच्छा, ये महिला जी ने कहना है कि लगातार गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें तो गर्मी में सबसे ज्यादा किसानों को दिक्कत आ रही है, जहाँ पर जो फसल है वो सूखने को लग रही है, जहाँ पर तोरियल की अकेले की बात वो बीजे सूखी है, बारिश की अब तक कोई संभावना नहीं है। दिन से इंडिया न्यूज अलग ले रोहतास बोला की रिपोर्ट 3 मिनट का। और ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ सकता है हरियाणा के लोगों को। 12 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ है जब इस भीषण गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं। प्रदेशवासियों का हाल बेहाल है। और सिरसा से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, हम देख रहे हैं लगातार गर्मी बढ़ रही है, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में ये कहा जा रहा है कि टेम्परेचर 1 से 2 यानी कि 45 से 47 डिग्री रह सकता है। ऐसे में गर्मी से लोगों को कहीं ना कहीं बचने की जरूरत है, क्योंकि ये गर्मी वाकई किस तरह से लोगों को बीमार भी कर रही है और ये कहा जा सकता है कि मुश्किलों भरी भी है। हीट वेव, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो हीट वेव का आपको सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, गर्मी की बात की जाए तो गर्मी का सितम पूरे हरियाणा भर में देखने को मिल रहा है। खासकर सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में जो काफी गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है और इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के बस स्टैंड के नजदीक, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं
कि यहाँ बच्चन के नजदीक जो ये रोड है, हिसार रोड की तरफ ये रोड जाता है, अमूमन इस रोड पर काफी वाहनों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन गर्मी का अब सितम देखने को मिल रहा है कि बच्चन के नजदीक ही इक्का दुक्का वाहन ही यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पहले के मुकाबले वाहन यहाँ काफी कम मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। मान के चले कि 10% या 20% वाहन ही गर्मी के कारण यहाँ सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। तो साफ तौर पर गर्मी का सितम सिरसा में देखने को मिल रहा है, और इस वक्त की बात है कि 11 बजे का टाइम है, लेकिन अभी फिलहाल 45 डिग्री तापमान सिरसा में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यही हालात पिछले 10 दिन से लगातार जारी है, 45 डिग्री से लेके 40-47 डिग्री तक तापमान पूरे दिन भर रहता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे ही तापमान बढ़ता जाता है, और शाम को 6 बजे के बाद थोड़ी बहुत लोगों को राहत महसूस होती है, क्योंकि धूप का जो असर है वो खत्म हो जाता है, और शाम को 6 बजे के बाद ही लोग अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें कि सिरसा के बरनाला रोड की है, जो सिरसा से हिसार और दिल्ली की रोड तरफ जाती है व्हीकल, तो यहाँ व्हीकलों की संख्या काफी कम है, और लोग जो भी वाहन चला रहे हैं पूरी तरह से अपने आप को कपड़ों से ढक कर वाहन चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके। बिल्कुल अनिल, लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है कि 12 साल में तीसरी बार है जब इस तरह का, ठीक है आप बात करिए लोगों से। साफ तौर पर गर्मी काफी बढ़ती जा रही है, जूस की रेडी है। यहाँ आपको हालात दिखा रहे हैं कि गर्मी से बचाव के लिए लोग किस प्रकार अपने आप को एहतियात बरत रहे हैं। बातचीत करने को सुनते हैं, क्या कहेंगे, गर्मी कितनी है और किस तरह बचाव कर रहे हैं आप? साफ तौर पर लोगों का मानना है कि गर्मी से बचाव के लिए अपने आप को अपने अपने तरीके से एहतियात बरत रहे हैं, जूस पीकर फल फ्रूट खाकर अपने आप को गर्मी से बचा कर रहे हैं। गर्मी का यहाँ सितम काफी देखने को मिल रहा है, 46 डिग्री तापमान पिछले 10 दिनों तक रिकॉर्ड दर्ज किया गया, और अब की बात की जाए तो 11 बजे का टाइम हो चुका है और 11 बजे ही 45 डिग्री का तापमान है। ऐसे में आम लोगों को काफी गर्मी से बचाव के लिए जूझना पड़ रहा है। अनिल, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है कि इस बढ़ती हुई गर्मी से कब तक हरियाणा के लोगों को निजात मिलेगी, मानसून आने की संभावनाओं को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अभी फिलहाल 3 या 4 दिन गर्मी यूं ही बरकरार रहेगी, 45 से 47 डिग्री तक तापमान सिरसा में यूं ही बरकरार रहेगा। हालांकि अगले हफ्ते से थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना जरूर व्यक्त की जा रही है। फिलहाल अभी गर्मी की बात किया तो गर्मी का तापमान सिरसा में अभी खूब पारा खूब चढ़ रहा है, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लोगों की इच्छा भी है कि जल्द से जल्द बारिश आए और उनको गर्मी से निजात मिल सके, लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि गर्मी का सितम पूरी तरह से सिरसा में जारी है और लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है, गर्मी से काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, करनाल से हमारे संवाददाता ने गर्मी को लेकर जायजा लिया है। गर्मी के सीजन में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, करीब 12 साल का रिकॉर्ड जो है इस बार तोड़ा गया है गर्मी के द्वारा। इसमें सीधा असर जो है सामान्य जनजीवन पर पड़ता वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही चिलचिलाती धूप का जो असर शुरू होता है वो देर शाम करीब 7 बजे तक रहता है। ऐसे में लोगों की जो आवाजाही है सार्वजनिक स्थानों पर या अपने काम धंधों पर वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, और जो लोग फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं जिनको आवागमन करना पड़ता है उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या देखते हैं कि सामान्य जनजीवन पर क्या असर है, खासकर काम धंधों पर क्या असर पड़ रहा है। जी धारणा जी, अभी इस तरह मौसम कैसा चल रहा है? मौसम गर्मी का बहुत बुरा प्रभाव है जी, गर्मी इतनी मई का दम ही नहीं है जी, और गर्मी इतनी ताबड़तोड़ है, बुरा हाल है, बच्चों का बुजुर्गों का गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है जी। काम धंधों में बहुत फर्क है जी, 10 बजे तक दुकानें खुलती है, दोपहर को कोई कस्टमर नहीं आता यहाँ पे, शाम तक दुकान बढ़ा कर चल जाते हैं, कोई काम तो बुरी तरह प्रभावित है। तो बिल्कुल, भले ही स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई हो लेकिन जो रूटीन के काम है काम धंधे उन पर जरूर असर हुआ है गर्मी का, क्योंकि लोग जो है कम बाहर निकलते हैं जी। अभी तापमान क्या चल रहा है?
मन तो ऐसा है जो जलाने वाला है बिल्कुल, शरीर भी ऐसा हो गया है जैसे बंदा मतलब बाहर निकल ही नहीं सकता, इतनी जलाने वाली गर्मी है। बच्चों को तो बाहर निकालना ही बहुत मुश्किल है, बाकी स्कूलों के अंदर बच्चों का भेजना भी इस टाइम खतरनाक हो चुका है। ठीक है जी, जैसे काम के ऊपर क्या असर है, जो लोग बाहर जाना है मजबूरी है उनकी? ऐसा है जी, जो दुकानदारों के काम है इस टाइम बिल्कुल खाली होके बैठे हैं, तो कस्टमर ने बाहर निकलना नहीं और काम कैसे होगा, उनका तो दिहाड़ी भी नहीं निकलती। हाँ जी, तो बिल्कुल देखिए इस बार जो है गर्मी एक अलग रंग में नजर आई है, क्योंकि ये जो मई महीने में मौसम के जो असर दिख रहा है, ये मौसम जो है जुलाई में बनता था, क्योंकि पसीने है वो नहीं सूख रहे। ये ऐसा मौसम जो है हरियाणवी देसी महीनों की बात करें तो भादवे में इस तरह का मौसम होता था, लेकिन इस बार ये मई में दिखाई दे रहा। तो सामान्य जनजीवन पर क्या असर है इसका, रूटीन में जैसे? बहुत ज़्यादा असर है जी, संडे मंडे में भी, संडे जैसा रहता है, मंडे भी है ही नहीं कोई मार्केट में, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है सब। तो जिस तरह से तापमान बढ़ा है, लोगों की सेहत पर क्या असर रहेगा इसका? तापमान तो बहुत ज़्यादा है, कोई निकल ही नहीं रहा, बार सब एसी में कूलरों में पड़े हैं अपने घर। तो बिल्कुल देखिए जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं बिजली की खपत बढ़ी है, लेकिन ये मौसम लोगों को अभी और परेशान करेगा, क्योंकि अभी जो है राहत मिलती हुई इसमें दिखाई नहीं दे रही। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़।